अब जरा हम देखते हैं इसके अंदर दो ग्राफ बनते हैं। लेट मी टेल यू, एक जो है ना उसका ग्रेडियंट क्या होगा, ज्यादा होगा, और दूसरा ग्रेडियंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी नॉट लाइक दिस, लेकिन ओवरऑल का वॉल्यूम जो प्रोड्यूस होगा ना वो सेम होगा। यानी कि दोनों केसेस में ना हमारे पास जो हाइड्रोजन ओवरऑल प्रोड्यूस हो रही है, लेट मी मेक इट वेरी नीट एंड क्लीन इफ पॉसिबल, यस ऑफ कोर्स, लेट मी मेक इट क्लीन। ये यूं है और ये यूं है, ठीक है। तो देखें इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फास्ट है, और इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो है, क्योंकि वही फार्मूला है, ग्रेटर द ग्रेडियंट ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, एज द ग्रेटर द ग्रेडियंट एज द ग्रेडियंट इज हायर सो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो हायर, इट टेक्स वेरी लेस टाइम टू फिनिश द रिएक्शन, और यहाँ तक ये दोनों को यानी कि नो रिएक्शन कर सकते हैं आप कह सकते हैं। तो अब जरा फास्ट रिएक्शन होने की रीज़न क्या है कि इसके अंदर 2 mol/dm³ क्यूब है, और स्लो होने की कंसंट्रेशन वजह क्या है, कंसंट्रेशन है 1 mol/dm³। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या होगा जी, हमारे पास वॉल्यूम थी, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है, इस तरह इंक्रीज हो रहा है। और दूसरी चीज़ आपको मालूम है वो क्या है, टाइम है इंक्रीजिंग दिस वे। तो हम यहाँ पे कहीं भी टेंजेंट लेकर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन यानी कि आप उसको कंसंट्रेशन कह सकते हैं डिवाइड बाई टाइम टेकन इज इक्वल टू रेट। ठीक है, नहीं अच्छा, अब आगे हम दूसरा जो फैक्टर है कंसंट्रेशन, ये तो था कंसंट्रेशन के बारे में, दूसरा हमारे पास फैक्टर है वो है प्रेशर। प्रेशर इज ओनली अप्लीकेबल ऑन द गैसियस रिएक्टेंट्स। देखें ना, आपने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, बिकॉज गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, तो इसलिए गैसेस के ऊपर ना प्रेशर का असर होगा। लिक्विड और एक्वा सोल्यूशन यानी कि वही जो लिक्विड हो जाते हैं या आपके पास सॉलिड्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स, उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। अच्छा, अब क्या होगा, ग्रेटर द प्रेशर ग्रेटर द रेट ऑफ रिएक्शन। उसकी रीज़न क्या है कि जो ही प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या इंक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन। कैसे कंसंट्रेशन, लेट मी टेल यू, यहाँ पे इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और प्रेशर क्या है, नॉर्मल है, यहाँ पर पार्टिकल्स हैं और प्रेशर क्या हाई है, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लो प्रेशर है और यहाँ पे क्या हाई प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा किया तो पार्टिकल्स आपस में करीब आ गया है तो उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो उनकी कोलिजन भी ज़्यादा हो जाती है, और जब कोलिजन ज़्यादा हो जाती है तो उनके आपस में अफेक्टिव कोलिजन भी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, ये 1% है ना, 10% अफेक्टिव कोलिजन है, ये 5% जितनी भी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अफेक्टिव कोलिजन के ज़्यादा होने के साथ प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बनते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाता है। चले जी, दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर। ठीक है, इसकी ज़रा आप एग्जांपल देख लें कि हम जो अमोनिया होता है ना N2+3H2, ठीक है, इसके अंदर हम अमोनिया फॉर्मेशन 2NH3 हमारे पास बनता है, तो हमारे पास जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 250 atm। ठीक है, ये गैस है ना, ये भी गैस है, ये भी गैस है, आगे भी गैस बनती है। ठीक है, तो ये आपने ये देखना है कि हायर मोलर कंसंट्रेशन से ये एक होती है, 4 mol हैं तो इनका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, और ये 2 mol हैं तो इनका वॉल्यूम कम होगा, उन्हें ज़्यादा मोल से कम मोल्स की तरफ जाना है। ठीक है, तो यहाँ प्रेशर को ज़्यादा करने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, इसी तरह आप ज़रा देखें, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी गैस है, प्लस ऑक्सीजन है, ये भी क्या है, गैस है। ठीक है, यू विल सी दैट दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है,
तो देखें दो और एक तीन मोल्स, ठीक है ना, थ्री मोल्स यहाँ पे हैं, तो इसका यू कैन से सिंपली एज द मोलर रेशियो इज देयर द सेम एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, तो थ्री वॉल्यूम है और यहाँ पे टू मोल है तो टू वॉल्यूम होता है, ठीक है। सो बाय इंक्रीज ऑफ द प्रेशर द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम जो फैक्टर पढ़ेंगे वो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ पार्टिकल साइज। इफेक्ट ऑफ पार्टिकल साइज मैं एक जरा आपको कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास चिकन है, वी हैव टू कुक द चिकन, और एक है चिकन के टू पीसेस काट दिए, बड़े बड़े दो दो पीसेस हो गए, ठीक है। और एक हम चिकन के ना 20 पीसेस करते हैं, छोटे छोटे पीसेस, नॉट लाइक दिस, थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। पर विच वन विल बी कुक्ड फर्स्ट, दिस विल बी कुक्ड फर्स्ट, ओके, एंड दिस विल बी कुक्ड ऑन द सेकंड लेटर। इसकी रीजन क्या है, जिसकी 20 पीस हमने कर दिए ना, तो उसका साइज जो सरफेस एरिया है, जो एक्सपोज्ड एरिया है टू द अदर रिएक्टेंट, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है, वो ज़्यादा एक्सपोज एरिया हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह मैं यहाँ एक और एग्जांपल दे देता हूँ, हमारे पास एक बड़ा पीस है, वी कट इट टू फोर पीसेस, तो हम 10 ग्राम को कह देते हैं, ये 2.5 ग्राम वाला है, ठीक है। अब दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। अब जरा देखें, हमारे पास इसका जो एक्सपोज्ड एरिया है वो कम है, और इनका एक्सपोज्ड एरिया क्या है, ज्यादा, ठीक है। दैट्स व्हाई दे विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन क्विकर, ओके, क्विकली, एंड दे विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। हम देख सकते हैं कि जो सरफेस एरिया होता है, यानी कि जो एक्सपोज एरिया है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ पार्टिकल। जितना हम छोटा पार्टिकल का साइज लेंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो हमें, हम देखें पाउडर में लेते हैं, पाउडर के अंदर लेने का मकसद क्या होता है, ताकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए, और जितना बड़ा पीस लेंगे, बड़ा साइज पार्टिकल लेंगे, ठीक है, सरफेस एरिया कम होगा। लेकिन उसको अगर हम ग्राइंड करके पीस करके लेंगे, तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर कोलिजन भी ज़्यादा होगी, और फिर आपके पास क्या होगा जी, इफेक्टिव कोलिजन भी ज़्यादा होगी, अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बनेंगे, और फिर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। उसके बाद हम जरा देख लेते हैं, वी कैन से सिंपली दैट व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, द स्पीड ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन और द स्पीड ऑफ रिएक्शन। बस ये मैं इसका समरी लिखता हूँ। नेक्स्ट थिंग इज द फोर्थ, दैट इज द टेम्परेचर। देखिए सिंपल सी बात है, टेम्परेचर आप ज़्यादा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक ज़्यादा होगी तो कोलिजन ज़्यादा होगी, और ज़्यादा कोलिजन होगी तो ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगी, और जितनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगी इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, जितना प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगे इतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात। इसका हमारे पास एक इन्वेस्टिगेशन मेथड है, इन्वेस्टिगेशन तो ऊपर वाले की भी है, लेकिन चलें इसको हम जरा आगे चले गए हैं, तो हम इसके इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। क्या हमारे पास एक
एक रिएक्शन है सोडियम थायोसल्फेट, और इसका आईसीएल के साथ रिएक्शन है, यू विल सी व्हाट इज फॉर्म, टू एन ए सी एल बनेगा, प्लस आपके पास एच टू बनेगा, प्लस आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, डोंट वरी इट विल बी रिलीज, प्लस आपके पास सल्फर सॉलिड बनेगा। दिस इज अ थिंग विच वी नीड टू नो। ये जो सल्फर बनती है ना हमारे पास, ये हमारे पास जो सोल्यूशन होता है उसको टर्बिड कर देती है और बदला कर देती है, और वो फिर नीचे ना हम एक जरा इसको देख लेते हैं, इस तरह करते हैं, एक हमने ये नीचे क्रॉस लिखा है, एक कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, इसके अंदर हमने ना ये दोनों चीज़ें मिलाई हैं, ये वाली भी और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और दोनों मिलाई हैं, तो इसमें ना इसको बदला कर देगी, ठीक है, यानी सल्फर जितना प्रोड्यूस होगी ना तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये ओपैक हो जाएगा, दिस विल नॉट बी ट्रांसपेरेंट, ओपैक हो जाएगा, ओपैक, ठीक है। तो अब इसको ओपैक होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, एक टेम्परेचर हम लिखते हैं इसके अंदर, इसका टेम्परेचर हम एक कम कर लेते हैं और एक में ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि सपोज हमने, अगर मैं टाइम लिख रहा हूँ, टेम्परेचर लिख रहा हूँ, यहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ, हमने वही कंसंट्रेशन जो पहले इसमें, इसकी कंसंट्रेशन जो इसकी कंसंट्रेशन है, और जो इसकी जो सॉलिड होता है ना, ये भी एक्वस होता है, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम सेम लिया है हर बार, ठीक है। देखते हैं हमारे पास जब इसका टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड था, ठीक है, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर था, तो इसको 60 सेकंड लगे थे, ठीक है, कि इस क्रास को ख़त्म करने में, यानी कि इस क्रास का ख़त्म होना, इसका इनविजिबल होना डिपेंड करता है यहाँ कितनी सल्फर बन चुकी है कि वो इनविजिबल हो गया, ठीक है, कितनी तेज़ एक ख़ास क्वांटिटी सल्फर की बनती है तो ये इनविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो वो सल्फर की क्वांटिटी बनने के लिए हमारे पास टेम्परेचर हम देखते हैं, तो टेम्परेचर अगर 30 सेंटीग्रेड है तो 60 सेकंड लगे इसको इनविजिबल होने में, ठीक है, सेम वॉल्यूम और सेम कंसंट्रेशन दोनों सोल्यूशन के लिए। फिर हमने टेम्परेचर को ज़्यादा थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, 60-40 कर दिया, तो इसको लगा 40 सेकंड लगे इसको डिक्रीज़ होने में, इनविजिबल होने में, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमने टेम्परेचर ज़्यादा किया तो इसका रेट टाइम कम होगा। आपको मालूम हो चाहिए कि टाइम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट, लेकिन ऊपर कंसंट्रेशन नीचे टाइम होता है, तो जितना टाइम कम लगता है इतना रेट तेज़ हो रहा है, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम 50 सेंटीग्रेड पे हम ये देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये कितना लगता है जी, 30 सेंटीग्रेड लगते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं जी ये 60 सेंटीग्रेड पे हम ज़रा देख लेते हैं, हमारे पास ये कितना लगते हैं, 15 सेकेंड लगते हैं। तो इट मीन्स एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, टाइम टेकन टू मेक दिस क्रॉस इनविजिबल डिक्रीजेस, मतलब तो हाउ दिस इज डिक्रीज्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ दी द प्रोडक्शन ऑफ दी सल्फर, ठीक है, सल्फर कितना प्रोड्यूस हुआ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सल्फर जितना उसकी एक ख़ास क्वान्टिटी जो होती है जो कि इस क्रॉस को इनविजिबल कर देती है, तो इसकी जो प्रोडक्शन है सल्फर की, उसकी जो स्पीड है यानी फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड्स अपॉन द टाइम, ठीक है। अच्छा जी, चले जी, हम ज़रा देखते हैं एक और चीज़, बस आखिरी है, फिफ्थ जो हमारे पास है वो है कैटलिस्ट, ठीक है, दैट इज द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं विदाउट केमिकली चेंज एट एंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। द सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड remain chemically unchanged at the end of the reaction.
रिएक्शन के आखिर में वो एज इट इज रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, अवेलेबल होते हैं। सिर्फ क्या करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लेट मी टेल यू सम प्रॉपर्टीज ऑफ दी कैटलिस्ट। सबसे पहले कहते हैं ये स्मॉल अमाउंट, दे आर रिक्वायर्ड इन द स्मॉल अमाउंट, दे आर रिक्वायर्ड इन द स्मॉल अमाउंट। सेकेंडली व्हाट वी स्टडी, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो उनका कार्रवाई का एक प्रोसेस है, ठीक है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। तीसरा क्या है, इसके अंदर जो होती है वो इंक्रीज स्पीड बट जी बट नॉट द जी। बट नॉट द यानी कि ये पैदावार को ज़्यादा नहीं करते, पैदावार तो वही होती है ना, जितना रिएक्टेंट से उससे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, ये तो नहीं होगा। हाँ, अगर कैटलिस्ट हम यूज़ नहीं कर रहे तो यील्ड जो हमारे पास प्रोडक्ट बनना है वो ये है कि बनेगा तो सेम ही लेकिन बनेगा स्लो, ठीक है। तो इसलिए यील्ड जो एट द एंड हमें प्रोड्यूस होती है, ये नहीं है कि ये कैटलिस्ट को हमारे यील्ड की क्वान्टिटी को ज़्यादा कर देता है, ऐसा नहीं होता। यील्ड होती सेम है लेकिन ये है कि बनती देर से, ठीक है। तो वही है कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करता है लेकिन यील्ड को इंक्रीज नहीं करता, तो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है। अच्छा, फिजिकल अपीयरेंस में चेंज, फिजिकल अपीयरेंस जो होती है ना वो उसकी एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स यू कैन से में चेंज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फिर प्रोडक्ट्स को ना अपने बिजनेस में लाने के लिए, हम चारकोल के साथ, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं उसको उसके सोल्यूशन में डालते हैं, तो वो ऊपर से जो कलर होता है उसको एडसार जो उसके ऊपर होता है उसको डिजॉल्व कर लेता है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है उसकी अपनी जो अपीयरेंस होती है दोबारा आ जाती है, ठीक है। फिफ्थ जो चीज़ हमारे पास है, इट इज़ नॉट यूज, इट इज़ नॉट यूज इन द रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर ये यूज नहीं होता, और इम्प्योरिटीज कैन अफेक्ट, ठीक है, इम्प्योरिटीज कैन इनएक्टिवेट इट। इनएक्टिवेटेड इट्स फंक्शनिंग, इसका जो काम है ना, जो उसके फंक्शन करने की ठीक है, उसको इम्प्योरिटीज क्या कर सकते हैं, इनएक्टिवेट कर सकते हैं। एंड सेवन्थ, और जो सेवन्थ है ये स्पेसिफिक होते हैं, सिलेक्टिव इन द रिएक्शन, सिलेक्टिव दे आर द सिलेक्टिव इन इट्स एक्शन। अपने एक्शन के अंदर सिलेक्टिव एक कैटलिस्ट एक काम कर रहा है तो दूसरा नहीं करेगा। अच्छा, ये करते क्या है बेसिकली, लेट मी टेल यू होता क्या है, ये इनका डिफरेंट है। बाकी तो सारा आपने देखा ना कि हमने कंसंट्रेशन देखी है, प्रेशर देखा है, सेकेंडली तीसरा हमने सरफेस एरिया देखा है, चौथा हमने टेम्परेचर देखा है, वो सारे क्या करते हैं बेसिकली कोलिजन को ज़्यादा कराते हैं, ठीक है ना, कोलिजन ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा कोलाइड करेंगे, ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगी, ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, लेकिन ये जो है ना ये मेरिट को ही कम कर देता है आगे से, ठीक है। वो क्या करते हैं, ये कहता है कि कोलिजन ठीक है जो भी है, अब यह है कि पहले एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा थी, ठीक है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बनने के लिए, ठीक है ना, ये सारी पी कवर करनी पड़ती थी, रिएक्टेंट्स को आपस में इस तरह कोलाइड होना पड़ता था कि उनकी इफेक्टिव कोलिजन वो वाली होती थी जो आपस में सम अप होकर उनकी एनर्जी इस पहाड़ी को उस पी को क्रॉस कर सके, दैट इज नॉट, ठीक है। ये क्या करता है कैटलिस्ट, जाता है कहता है कोई मसला नहीं है, मैं पहाड़ी इसको ना कम कर देता हूँ, ठीक है। ये इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये है विद कैटलिस्ट और ये क्या है विदाउट, ठीक हो गया। तो विद कैटलिस्ट क्या होता है, यू विल सी, कैटलिस्ट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब कम हो जाती है तो देखने इजली
रास्ट ठीक। अब इसके कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है ना, टू एच टू टू सॉरी टू एच टू ओ टू, ये ना वैसे टू एच टू ओ प्लस ओ टू में डीकम्पोज होती है, लेकिन अगर हम इसमें थोड़े से मैंगनीज ऑक्साइड डाल देते हैं एम एन ओ टू तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज़ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं कि हम अमोनिया जो बनाते हैं, ठीक है, एन एच थ्री एन टू प्लस थ्री एच टू, उसमें देखें इसके अंदर आयरन किसी भी फॉर्म में, यानी कि इसको भी सिर्फ सीरीज ज़्यादा करके पार्टिकल साइज कम करके टू एन एच थ्री, दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस, सॉरी टू एन एच थ्री बनता है। ठीक है, और भी गैस है। इस तरह अगर आप देखें तो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, हाइड्रोजनेशन होती है, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये ऑर्गेनिक अंदर पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजनेशन होती है इसके अंदर निकल यूज होती है, ठीक है, इसको स्पीड अप करती है। अच्छा चलें एक और बता देता हूँ आपको, वैनेडियम पेंटाक्साइड यूज़ होता है किसके अंदर, कॉन्टेक्ट प्रोसेस के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीजन की सरेक्शन करके ना सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर जिसके अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करते हैं, वी टू ओ फाइव वैनेडियम पेंटाक्साइड ये कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो कैटलिस्ट होते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं, वो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट से आते हैं, ट्रांजिशन से। ठीक है, तो लेट मी टेल यू कि कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव पाथवे, ये एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करते हैं, इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं टू फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड। ओके, रिएक्शन को तेज करने के लिए कैटलाइज्ड रिएक्शन हैज द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी देन द रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, ये जो रिएक्शन है कैटलाइज है इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है एज कम्पेयर टू द अनकैटलाइज्ड। सो व्हाट व्हाट द कैटलिस्ट डज, इट डिक्रीज इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड इन दिस वे फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड। ओके, एंड द कैटलाइज्ड रिएक्शन हैज़ द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, ये अनकैटलाइज्ड है इसके अंदर वही पीक है, ये कैटलाइज्ड है तो इसके अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसके अंदर तो हर एक क्रॉस कर लेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, वी हैव स्टडीड ऑल ऑफ दिस फाइव फैक्टर्स, लेट मी जस्ट रिवाइज वंस, फर्स्ट क्या थी, कंसंट्रेशन थी। अच्छा, सबका डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। सेकंड क्या होता है जी, सेकंड हमारे पास क्या है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, एक्विलिब्रियम इंक्रीज होगी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तीसरा हमारे पास क्या है जी, हमारे पास सरफेस एरिया है, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा यानी कि पार्टिकल साइज कम होगा। ठीक है, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या है, डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। और फोर्थ क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा कोलिजन होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, फिफ्थ क्या है, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट को अभी डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि इसके कंसंट्रेशन, इसकी सिर्फ यस और नो, इसकी अवेलेबिलिटी जो है ना वो भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या करती है, इफ़ इट इज़ अवेलेबल देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज। हाँ, ये नहीं होता कि इसकी स्पेसिफिक अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, तो अब ये नहीं होता कि इसको हम ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज़ हो जाएगा, नहीं, इसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, इट इज़ रिक्वायर्ड इन द स्मॉल अमाउंट। ठीक है, और ये बाकी तो कंसंट्रेशन ज़्यादा और कोलिजन ज़्यादा करते हैं, इसका मौका वरदात कुछ और होता है, ये क्या करता है कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। सो बोथ आर द फैक्टर्स ड्यू टू विच द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, फैक्टर्स जो दोनों चीज़ें जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, बोथ आर द, वन इज कॉल्ड कोलिजन और सेकेंड क्या होती है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ठीक है, चलो फिर आगे हम, हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स के ऊपर बायो कैटलिस्ट उसको हम कहते हैं, लेट मी टेल यू जस्ट सिंपली एंजाइम्स, आई विल नॉट गो इन द डिटेल्स, बायो कैटलिस्ट यानी कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज तो करते हैं लेकिन बायो के अंदर यानी कि लाइफ के अंदर, लिविंग के अंदर ये इंक्रीज करते हैं, और ये सिंपल भी नहीं होती, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, ये सिंपली आप यू कैन से दीज आर द प्रोटीन्स। ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है, दीज आर नॉट सिंपली सिंपल एटम्स या सिंपल एलिमेंट्स यही होते, ठीक है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं, और ये इनका रेट ऑफ रिएक्शन भी यही होता है कि
एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं बायो कैटलिस्ट। ठीक है, अच्छा ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, सेंसिटिव टू टेम्परेचर है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर 37 सेंटीग्रेड है, 36 पॉइंट समथिंग है एक्चुअली, ठीक है, तो अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास ये जो प्रोटीन्स होती है ये डी नेचर होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डी नेचर होना स्टार्ट हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह सेंसिटिव टू पीएच होती है, सेंसिटिव टू हमारे जिस्म के अंदर 7.4 पीएच है ना, इसके ऊपर एंजाइम जो है ना वो बेस्ट एक्शन करते हैं। अगर पीएच ऊपर नीचे हो जाए तो ये काम अच्छी तरह नहीं करेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, हमारे पास क्या है जी, लाइपेज लिपिड के लिए है, सेलुलेज सेलुलोज के लिए है, अमाइलेज, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है। दीज आर द सम एग्जांपल्स, ओके, तो दे आर सो इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन इन द, हाँ एक यीस्ट होता है, ठीक है, इसके अंदर इन्वर्टेज होता है, इन्वर्टेज एंजाइम होता है, इन्वर्टेज, ठीक है, ये क्या करता है, फर्मेंटेशन को स्पीड अप करता है। यू नो व्हाट इज फर्मेंटेशन, ग्लूकोज के सॉल्यूशन से या ग्लूकोज से यानी कि जो जूसेस आती है फ्रूट्स होते हैं उससे हमारे पास जो अल्कोहल बनता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दैट्स ऑल अबाउट द एंजाइम्स।